स्टेज पे अभिमन्यु और राम शंकर सिंह। अरे नाम ही भूल गई यार ये लड़की। म्यूजियम के ऊपर आ रहे हैं बैंड बजाने के लिए। मधुबाला आप आपके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जब भी हम पहला व्लॉग शूट करते हैं यही प्रॉब्लम होती है जो अभी हो रही है हिचकिचाहट, बट कहीं ना कहीं आइस ब्रेकिंग मोमेंट है। तो मिस मधुबाला अब आपके लिए कुछ कहना चाहेंगे? आज आप कहाँ पर हैं, क्या कर रही हैं, बताइए। आज हम आए हैं, आप आए हो मेरे एरिया में, हम लोग घूम रहे हैं। क्या आए हम? पिज्जा खाने। पिज्जा बाय द वे एकदम एग्जैक्टली मरीन ड्राइव के सामने। तो समंदर का किनारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट। पिज्जा विद द व्यू। आप यहाँ पर पहले आई? नहीं, फर्स्ट टाइम। मतलब मैंने बहुत बार सोचा है कि मैं यहाँ आऊंगी यहाँ से गुजरते गुजरते, बट शायद आज आपके साथ यहाँ लिखा था तो मैं आज आपके साथ ही आते। लेकिन हमारा प्लान था हम बगदादी जाने वाले थे, क्योंकि मैंने सुना है बगदादी का चिकन बहुत अच्छा है और इनको चिकन बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा हम बगदादी जाएंगे चिकन ट्राई करने। लेकिन वहाँ का एम्बियंस हमको अच्छा नहीं लगा, मतलब हमने ऑनलाइन चेक किया, हम लोग आने गए। जो मैं बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहा हूँ, हाँ। मैं यही बगल में रहती हूँ, हाँ। ट्रैवल करके आने में काफी टाइम लगता है। मैं दो घंटे के लिए, ये दो घंटे की ट्रैवल करके आता है राम शंकर सिंह। अरे नाम ही भूल गई यार ये लड़की। राम सिंह ऑन कैमरा इतनी इंसल्ट में जा सके भी नहीं हुई। क्या नाम है? राम शंकर सिंह। जब किसी की इंसल्ट होती है तो कैसा लगता है? इसमें इंसल्ट क्या, मैं आपको नाम से बुलाती हूँ ना, इससे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। क्या क्या बुलाते हो आप? मैं अभिमन्यु हूँ। जो अभिमन्यु सर सच बताओ क्या बताओ? हर चीज कैमरे में नहीं भूल जाती हूँ। क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं, ठीक है? बोलो। क्या हम आए हैं बोल सकते हैं एक डेट पे? कहाँ पे? डेट पे आए हैं। मेरा नाम क्या? मरीन लाइन्स के रहे। मेरा नाम क्या? राम शंकर सिंह। जो नहीं जानते इनका नाम, इनका नाम है राम शंकर सिंह। जो मेरा नाम नहीं जानते, मेरा नाम है मधुबाला अतुलगी। सबसे पहले काम मिलेगा, हम बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम काम मिले थे। अब कुछ मूवी सब मत बोलना, ख्वाबों में, ख्यालों में, सपनों में। हम मिल रहे सेट पे। कौन से सेट पे? नौ उम्र की सीमा हो। क्या हमारा सीमा? सेट एलोरा में लगा था और हमारा ऑफिस का सीन था जहाँ पे मैं आता हूँ और भाई से मिलता हूँ, थोड़ा सा आर्गुमेंट होता है। तब तक देव सर अभी आएंगे। अच्छा सीन बता रहे हो। ओके। आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट के बाद मैं बाहर आता हूँ केबिन से ऑफिस में जहाँ पे सारे स्टाफ होते हैं, तो वहाँ पे आप भी रहे, वहाँ पे विधि भी थी और एक इंटरेक्शन होता है हमारा। नहीं तब आप निकल जाते हो, बोलते हो गट्टे की सब्जी टेस्ट करके निकल जाते हो, वो वाला सीन था। देखो हार गया। हार गया क्या? गड़बड़ तो की ना, गलती तो की ना। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। सवाल का था काम मिले थे। पॉइंट वन। सेकंड क्वेश्चन, हमारा पहला साथ में सीन कौन सा था? हमारे बहुत कम सीन हुए साथ में, हम दोनों ने शूट नहीं किया ज्यादा साथ में। पहला साथ में सीन कौन सा था हमारा? हमारा सीन यह बोला कोई नहीं। हमारा सीन तो बहुत साल हुआ है। याद करो बहुत टाइम है बस। ऋतिक वान करो याद करो। देखा कि यादाश्त
क्या दिए? कब हुआ था सिल? अरे इतनी जल्दी? थोड़ा सोचो, डाइट में कितने बादाम खाते हो? पांच ना, बढ़ा दो, 15 कर दो। क्या हुआ? हमारा पहला सीन हुआ था जब आप कॉन्फ्रेंस के लिए आते हो, बोर्ड मीटिंग्स के लिए। उसमें एक हमारा सीन था कि मैं आपको शेयर्स के बारे में समझाती हूँ, सोफे पर बिठा के कि सर शेयर्स मार्केट ऐसे काम करती है, उसमें शेयर ऐसे बढ़ता है और शेयर ऐसे कम होता है। याद आयो? हमारा सीन नहीं हुआ साथ में, उसके अलावा हुए, लेकिन डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं हुए। उसके बाद एक सीन हुआ था हमारा पोटलक से पहले वाला, दिवाली वाला, जब आप आते हो, मैं और गोल्डन बैठी होती हूँ, आप मुझे कुछ उस टाइम पे बोलते हो, याद करो। ऐसा प्रॉपर सीन नहीं था, वो मोन्टाज था, छोटा सा, बट हाँ ना, डायलॉग था उसमें कुछ, हाँ पता नहीं। और इस वाले ये तो हुआ ना, इसमें तो डायलॉग था, मैं आपको समझा रही थी, हालांकि ये मोन्टाज था छोटा सा, हाँ ना। मेरी नजरें आपके ऊपर थी ना, मैं आपको, मेरे कभी सीन में ध्यान दिया ही नहीं। प्लीज आपकी नजरें मेरे पे नहीं, आपकी स्क्रिप्ट याद करने पे थी, क्योंकि आपका बहुत बड़ा सीन था उसके बाद, ठीक है, पूरा वो कॉन्फ्रेंस वाला। मुझे तो अभी भी याद नहीं है कि क्या था, पूरा कॉन्फ्रेंस वाला याद नहीं है, बहुत कमजोर आपकी याद था। सर मैं मेरा डेट ऑफ बर्थ बताओ। आगे मैं बताना नहीं चाहती सबको, आपकी एज पता चल जाएगी। हार गए इसका मतलब? नहीं बताओ, चढ़ाने के लिए नहीं बताओ, चढ़ाने के लिए बताओ। मैं बताओ 97 बताया ना मैंने, अभी बताया आपने, कल 98 बोला था आपको, नहीं पता। अब मेरी एज काउंट कर रहे थे, उसके बाद हमने काउंट करके फिर एक बार कैलकुलेशन लगाया, फिर आपने बोला 97, वेरी बैड। ये मैंने किया कैसे? मैंने कैसे ऐसे बताया? मुझे एग्जैक्ट एज डिफरेंस बताना हमारा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, वो ज्यादा ऐसे थोड़ा होता है, ये क्या बात है? हमारा एज डिफरेंस जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। दिल गया, हार गया। तीन क्वेश्चन में से आपने एक ही क्वेश्चन आंसर राइट दिया, ठीक है, जीत गया मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन दिया नहीं था, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे को अब उस पर बहस नहीं करनी, हम इसके बाद इस पर बहस करेंगे, ठीक है, वीडियो के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ठीक है, मुझे मत बोलना वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले किसने किसको कॉम्प्लीमेंट किया था? मैंने किया होगा, ये अच्छा काम नहीं कर रहा। हर चीज मैंने किया होगा, कुछ नहीं किया आपने, ये अच्छा चीज, अच्छे इतनी इतनी कुछ नहीं किया आपने, आपने किया था। कब कब? ऑफिस वाले सीन में किया था, ब्लू सूट पे गया था, जो मैंने ब्लू सूट पहना था, ग्रे सूट पहना था आपने, ग्रे सूट था, ग्रे था, रेडियम क्यों पर आ रहे हैं? बिल बैंड बजाने के लिए, ठीक है, चार में से दो ही सही आंसर दिए हमने, दो गलत है। नहीं, तीसरा भी सही था, डेट ऑफ बर्थ बोला था, वो ईयर नहीं बोला था। डेट ऑफ बर्थ में ईयर भी आता है, ईयर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ईयर भी आता है डेट ऑफ बर्थ में। आप कौन सी जगह से डेट ऑफ बर्थ लिखे और आप सिर्फ 12 जून लिख के छोड़ देते हो?
बातें मत घुमाओ, बहुत जगह बहुत जगह बहुत जगह हर जगह आपको एग्जैक्ट एज बताने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ डेट बताना होता है, डेट ऑफ बर्थ, दैट्स इट, नॉट एज. सो एयर डजंट मैटर. कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं बोल रही, ऑडियंस से पूछो, ऑडियंस बताइए सच क्या है, जनता जानना चाहती है. मेरी जिंदगी अब तक झूठ चल रही थी या नहीं बोल रही आप और बैंड में जाने मुझे पोस्टर में नंबर्स कब एक्सचेंज किए गए लास्ट डे जब हमने रील बनाया था उसके बाद. लास्ट डे मतलब रील बनाने के बाद ठीक है. और क्या अभी सही नहीं बचा हुआ कौन सा है ब्लैक की बात मैंने पहना है अभी आप जाके भी नारी बोल सकते वाइट वाइट क्योंकि वाइट मुझे बहुत पसंद है ना वाइट ना आपने मुझे कभी बताया नहीं आपको बताओ ना. मैं बिहार में किस जगह से ऐसा मैं जम्मू से कौन सी जगह से मैं जम्मू से कौन सी जगह से काठगोदाम बहुत गंदा जोक था बिल्कुल हंसी वो ये बताओ ये बाइक कौन सी बनवाई मुझे आपने कभी नहीं बताया आप कैसे रेंजर है ये मुझे पता है बाइक कौन से पसंद है आपने कभी नहीं बताया रॉयल एनफील्ड पसंद होगी बुलेट आपको थार पसंद है ये मुझे बताया मुझे सब पता होगा कोई नहीं मधु बाला मुझे मधुबाला हीरोइन की बात कर रहा हूँ ठीक है. बाहर का सनसेट बहुत अच्छा हो गया स्पेशल आंसर राउंड को यही खत्म करते बाकी आपके पास कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे बताना अच्छे अच्छे वाले तो मैं इनसे पूछूंगी. तो ये प्यारे से सनसेट के साथ हम आज का ये व्लॉग खत्म करते हैं. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू.